हेलो राइडर्स, कैसे हो आप सब। दोस्तों, अगर आप 2024 में बाइक परचेस करने का सोच रहे हो जिसमें आपको बढ़िया लुक, डिजाइन, फीचर्स और माइलेज देखने को मिले, तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज के स्टूडियो में आपको टॉप 4 बेस्ट बाइक के बारे में बताने वाला हूं जिसमें आपको बढ़िया लुक, डिजाइन और फीचर्स देखने के लिए मिलेगा। अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या फिर एक ऑफिस पर्पज के लिए या फिर रेगुलर पर्पज के लिए बाइक लेने का सोच रहे हो, तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। वीडियो में हम सभी बाइक के ऊपर डिटेल में बात करने वाले कि बाइक का प्राइस क्या होगा, बाइक में आपको क्या कुछ फीचर देखने को मिलेगा, सारा कुछ आज के स्टूडियो में हम बात करेंगे। वीडियो को स्किप या मिस बिल्कुल मत करना। मेरा नाम मोल और आप देख रहे हैं 4 व्हील्स। एक पे यामाहा की FZ-SFI V3। दोस्तों, अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिसमें आपको बढ़िया लुक, माइलेज, अच्छा पावर परफॉर्मेंस देखने को मिल सके, तो आप इस बाइक को परचेस कर सकते हैं। बात करेंगे बाइक के फ्रंट लुक के बारे में, तो बाइक के फ्रंट में आपको LED हेडलाइट का सेटअप देखने के लिए मिलता है। बाइक के जो इंडिकेटर है वो आपको LED में देखने के लिए मिलते हैं और बाइक के रियर में आपको LED टेल लाइट का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक के अगर डिस्प्ले के बारे में बात करें तो बाइक में आपको डिजिटल मीटर कंसोल देखने के लिए मिल जाएगा जिसमें आपको काफी सारे फीचर्स भी देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ स्टैंड अलार्म, USB चार्जिंग पोर्ट, टर्न बटन नेविगेशन जैसे फीचर देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक का जो कर्व वेट है वो 136 kg है। अगर हम बाइक के ब्रेकिंग सेटअप के बारे में बात करें तो बाइक में आपको डुअल डिस्क ब्रेक के साथ सिंगल चैनल ईबीएस का फीचर देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि सेफ्टी के पर्पज से काफी अच्छी बात है। बाइक में आपको 13 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने के लिए मिल जाता है। ये बाइक आपको सिटी राइडिंग पे 55 km/h का माइलेज आराम से देगी। बाइक के अगर इंजन के बारे में बात करें तो बाइक में आपको 149cc का सिंगल सिलेंडर 4-stroke 4-valve एयर कूल इंजन देखने को मिलता है, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 12.2 bhp की, मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करेगा 13.3 Nm की। बाइक में आपको 5-speed गियरबॉक्स मैनुअल का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। बात करेंगे इस बाइक के प्राइसिंग के बारे में तो ये बाइक आपको 1,48,000 के ऑन रोड प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगी। नंबर 2 वाली बाइक के बारे में बात करें तो वह TVS की राइडर 125। दोस्तों, अगर आपको 125cc में एक नेकेड स्पोर्ट बाइक चाहिए जिसमें फीचर भर के हो, तो आप इस बाइक को परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, बाइक का जो लुक और डिजाइन है वो बहुत ही ज्यादा शानदार है। बात करें बाइक के परफॉर्मेंस के बारे में तो ये बाइक आपको 60 km/h का माइलेज आराम से दे देगी। बाइक के अगर इंजन के बारे में बात करें तो बाइक में आपको 125cc का इंजन देखने को मिलता है, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 11.2 bhp की, मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करेगा 11.2 Nm की, जिससे ये बाइक 110 km/h की टॉप स्पीड अचीव कर लेती है। बाइक में आपको 5-speed गियरबॉक्स मैनुअल का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। बात करें बाइक के डिस्प्ले के बारे में तो बाइक में आपको 5 inch का TFT डिस्प्ले वाला कलरफुल मीटर का कंसोल देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ USB चार्जिंग पोर्ट और राइडिंग मोड भी दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं बाइक के फ्रंट लुक के बारे में। बाइक के फ्रंट में आपको LED DRL के साथ LED हेडलाइट का सेटअप देखने के लिए मिलता है। बाइक के जो इंडिकेटर है वो आपको LED में देखने के लिए मिलेंगे और बाइक के रियर में आपको LED टेल लाइट का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक में आपको सिंगल डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक आपको E20 मॉडल के साथ देखने के लिए मिलेगा, जो कि BS6 Phase 2 वाले इंजन होगा। अगर उस बाइक के ऑन रोड प्राइस के बारे में बात करें, ये बाइक आपको 1,18,000 के प्राइस पॉइंट पर अवेलेबल हो जाएगा। नंबर 1 करेगा नंबर 3 वाली बाइक के बारे में तो वो है बजाज की पल्सर N150। दोस्तों, अगर आपको एक स्पोर्ट कैटेगरी की बेस्ट लुक, अच्छी माइलेज वाली और थोड़ी सी पावरफुल बाइक चाहिए, तो आप इस बाइक को परचेस कर सकते हैं। बाइक में आपको प्रोजेक्टर LED लाइट का सेटअप देखने के लिए मिलेगा। बाइक के जो इंडिकेटर है वो आपको LED में देखने के लिए मिलेंगे और बाइक के रियर में आपको LED टेल लाइट का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, बजाज कंपनी ने इस बाइक में काफी सारे मेजर अपडेट्स भी किए हैं। अगर हम बाइक के मीटर कंसोल के बारे में बात करें तो बाइक में आपको डिजिटल मीटर कंसोल देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें आपको काफी सारे फीचर्स भी देखने के लिए मिल जाता है, जैसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ टर्न बटन नेविगेशन, USB चार्जिंग पोर्ट, स्टैंड अलार्म जैसे कई सारे फीचर्स। अगर हम बाइक के इंजन के बारे में बात करें तो बाइक में आपको 149cc का सिंगल सिलेंडर 4-stroke 4-valve एयर कूल इंजन देखने को मिलता है, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 14.29 bhp की और मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है 13.5 Nm। बाइक में आपको 5-speed गियरबॉक्स मैनुअल का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। सस्पेंशन में बाइक के फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक, रियर में आपको रियर शॉक सस्पेंशन का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक के अगर ब्रेकिंग सेटअप के बारे में बात करें तो बाइक में आपको सिंगल चैनल ईबीएस का फीचर देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, ये बाइक आपको सिटी राइडिंग पे 50 km/h का माइलेज आराम से देगी। बाइक में आपको 14 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने के लिए मिल जाता है। बाइक आपको E20 मॉडल के साथ देखने के लिए मिलेगा, जो कि BS6 Phase 2 वाला इंजन है। अगर हम बाइक के प्राइसिंग के बारे में बात करें तो ये बाइक आपको 1,40,000 के ऑन रोड प्राइस पे अवेलेबल हो जाए। नंबर 4 वाली बाइक के बारे में बात करें तो वो है हीरो की एक्सट्रीम 125R। दोस्तों, सबसे पहले बात करें इस बाइक के लुक के बारे में तो बाइक का जो लुक है बहुत ही ज्यादा शानदार है। दोस्तों, ये बाइक इंडिया में अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। बाइक में आपको टोटल 3 कलर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। बाइक के फ्रंट लुक के बारे में बात करें तो बाइक के फ्रंट में आपको LED हेडलाइट का सेटअप देखने के लिए मिलेगा। बाइक के जो इंडिकेटर है वो आपको LED में देखने के लिए मिलेंगे और बाइक के रियर में आपको LED टेल लाइट का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, अगर हम बाइक के इंजन के बारे में बात करें तो बाइक में आपको 125cc का एयर कूल इंजन देखने को मिलेगा, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 11.4 bhp की, मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करेगा 10.5 Nm की। बाइक में आपको 5-speed गियरबॉक्स मैनुअल का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, बाइक में आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने के लिए मिल
मिल जाता है। अगर हम बाइक के ब्रेकिंग सेटअप के बारे में बात करें तो बाइक में आपको IBS और सिंगल चैनल ABS का फीचर देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छी बात है। दोस्तों अगर बाइक के सस्पेंशन सेटअप के बारे में बात करें तो बाइक के फ्रंट में आपको 37mm के टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन देखने को मिलेगा और बाइक के रियर में आपको हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक के अगर डिस्प्ले के बारे में बात करें तो बाइक में आपको डिजिटल मीटर कंसोल देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों अगर बाइक के माइलेज के बारे में बात करें तो ये बाइक आपको 66 KMPL का माइलेज आराम से दे देगा, जो कि काफी अच्छी बात है। दोस्तों बाइक आपको E20 मॉडल के साथ देखने के लिए मिलेगा, जो कि BS6 फेज 2 वाला इंजन होगा। अगर हम बाइक के प्राइसिंग के बारे में बात करें तो बाइक में आपको टोटल दो वेरिएंट देखने को मिलता है। पहला है डिस्क ब्रेक के साथ, जिसका एक्सपोम प्राइस है 95,000 रुपए। दूसरा है ABS के साथ, जिसका प्राइस है 1,00,000 रुपए। दोस्तों आपको इन सभी बाइक में से कौन सी बाइक अच्छी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जुड़ जाना। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन